नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन आधार कार्ड बनाने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, और साथ ही यहां पर कवर करेंगे जन आधार कार्ड से रिलेटेड कई सारे सवाल जो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। दोस्तों, फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम यहां पर बात करने वाले हैं जन आधार कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, जो दस्तावेज है इनको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। तो यहां पर जो पहला हिस्सा है वो है अनिवार्य दस्तावेज, यानी कि यहां पर जो अनिवार्य दस्तावेज कौन कौन से हैं, यानी कि जो आपको चाहिए ही जन आधार कार्ड बनाने के लिए, तो वो मैंने कुछ फर्क बना रखा है। यहाँ पर जो पहला दस्तावेज है वो है सभी सदस्यों के रंगीन फोटो आपको यहाँ पर देने होंगे अगर आप चाहते हैं अपना जन आधार कार्ड बनाना। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा दस्तावेज है वो है आधार कार्ड। यहाँ पर आपको आधार कार्ड देने हैं और यहाँ पर आपके परिवार में से कम दो सदस्यों के आवश्यक है आधार कार्ड, तभी आप जन आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले दस्तावेज की, तो वो है महिला मुखिया की बैंक पासबुक आपको यहाँ पर जमा करनी होगी, यानी कि ऐड करानी होगी। और यहाँ पर आप चाहते हैं अन्य सदस्य का भी खाता संख्या जुड़वाना तो वो भी आप जुड़वा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं अगले दस्तावेज की, तो वो है मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर दस्तावेज तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक इसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है, तो ये भी मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, आपको वहाँ पर ऐड करवाना होगा। आगे बात करते हैं आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, और जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो पुरुष मुखिया के नाम से बनेगा और 4 पेज वाला बनेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले दस्तावेज की, तो वो है राशन कार्ड। आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए अगर आप जन आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने मुझसे ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में पूछी है कि जो जन आधार कार्ड है वो डाउनलोड का ऑप्शन कब आएगा। दोस्तों, उसका ऑप्शन आएगा 18 दिसंबर 2019 के बाद। दोस्तों, इसकी यहाँ पर लॉन्चिंग डेट है 18 दिसंबर 2019। इसके बाद में यहाँ पर इसका जो लिंक है यानी कि जो ऑप्शन है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा आपके एक्सेसो आईडी पर या आपके मित्र पोर्टल पर। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि जो जन आधार कार्ड योजना है और यहाँ पर भामाशाह योजना है, ये अलग अलग है या फिर एक ही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भामाशाह कार्ड था सिर्फ उसका नाम और लोगो चेंज किया गया है, बाकी जो सेम डाटा है, सेम ऑप्शन है, सेम वेबसाइट की थीम है, टेम्पलेट है, वो सेम ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलाव है नहीं सिर्फ नाम और लोगों के अलावा। दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ ऐसे दस्तावेजों की जो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो पहला दस्तावेज है वो है पीपीओ पेंशन, यानी कि पेंशन पीपीओ अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। दूसरा दस्तावेज है दोस्तों पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास बना है तो वो भी लगा दीजिए। दोस्तों, अगर आप राज्य कर्मचारी हैं और आपके पास सरकारी कर्मचारी आईडी है वो भी आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं फॉर्म के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं कि रोजगार पंजीयन अगर आपके पास होता है तो आप वो भी लगा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मतदाता पहचान पत्र अगर आपके पास है तो वो भी लगाइए। विद्युत खाता संख्या यानी कि जो बिजली का बिल होता है उसका खाता संख्या भी आप लगा सकते हैं। बीपीएल अथवा स्टेट बीपीएल संख्या भी आप इसमें जमा करा सकते हैं, यानी कि फॉर्म में भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जन आधार कार्ड से संबंधित, जिसमें मैंने बताया है कि आप एक नया नाम कैसे जोड़ सकते हैं जन आधार कार्ड में, या एक दूसरा वीडियो तो हमारा उसमें मैंने बताया था कि आप जन आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो आप देखिए, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है उस वीडियो में, तो आप वो भी जाकर देखिए। यहाँ पर अगला दस्तावेज है श्रमिक कार्ड संख्या, अगर आपका श्रमिक कार्ड संख्या बना है यानी श्रमिक डायरी बनी है तो वो आप इसमें इंक्लूडिंग करा सकते हैं अपने जन आधार कार्ड में। आगे बात करते हैं अगले दस्तावेज की, तो वो है महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड, यानी कि जो अपना नरेगा जॉब कार्ड होता है वो भी आप इसमें भर सकते हैं, यानी दर्ज करा सकते हैं इसकी संख्या भी। और यहाँ पर जल आपूर्ति खाता संख्या, यानी कि जो अपना पानी का बिल होता है उसका जो नंबर होता है वो भी आप इसमें दर्ज करा सकते हैं। और अगला दस्तावेज है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वो भी आप जमा करा दीजिए, बाकी समस्या कोई आने वाली नहीं है। और गैस कनेक्शन आपके अगर आपने ले रखा है और उसकी डायरी आपके पास है तो वो नंबर भी आप इसमें जमा करा सकते हैं जन आधार कार्ड के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे दस्तावेज मैंने आपको बताया कि जो अनिवार्य नहीं है, और कुछ ऐसे दस्तावेज कि जो अनिवार्य है वो आपको लगाने ही लगाने हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अनिवार्य दस्तावेज कौन कौन से हैं। यहाँ पर सभी सदस्यों के रंगीन फोटो चाहिए, आधार कार्ड, महिला मुखिया की बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड तो यहाँ पर कंपलसरी है ही। और साथ में अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है वो भी आप इसमें जमा करा सकते हैं, यानी कि जन आधार कार्ड में जोड़ सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।